बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हुदल्लिन नास वन। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मुंह का पक जाना, मुंह का आना। ये बीमारी असल में लाहक हो जाती है कुछ मैदे की खराबी की वजह से, मैदे की तदाबियत वगैरह से, और मुंह का सफाई ना करना और गर्माइश वगैरह से। मैदे में गर्माइश हो तब भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। और इसके लिए मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सिर्फ एक दो चुटकी आप मुंह में लगाएंगे तो ये मुंह का आना, मुंह का पक जाना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और चीज़ें भी कोई महंगी नहीं है और सस्ती हैं और आसानी से तैयार होने वाली चीज़ें हैं, वो बेहतरीन फार्मूला है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। नंबर एक है फिटकरी सफ़ेद, धनिया खुश्क, बादियान जिसको सौंफ भी कहते हैं, और दाना इलायची खुर्द। ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लें, तीन तीन माशा की मिकदार में ले लें और बारीक पीस लें आप इसको। बारीक पीस कर आप इसको शीशी में बंद करके रख लें वक्ते ज़रूरत, और मुंह में आप एक दो चुटकी आप मारें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है और बेहतरीन फार्मूला है और आसानी से तैयार होने वाला है। दोबारा दोहरा देता हूँ मैं नुस्खे को। बादियान यानी जिसको सौंफ कहते हैं, फिटकरी, फिटकरी तो आप लोग सब जानते होंगे, धनिया खुश्क, खुश्क धनिया भी होता है बाजार से मिल जाता है, दाना इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची के बीज, ये हम वजन ले लें और उसको पीस कर रख लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए साथी हमारे चैनल पे हैं तो वो उसको सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।